नमस्कार दोस्तों, इनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने ऐसे चार काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए, नहीं तो भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो चार काम कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी वजह से स्वास्थ्य के संबंध में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान के साथ ही रहन सहन और आदतों का हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काफी बीमारियां केवल नहाने से ही दूर रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने चार ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से नहा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं चार कार्यों के बारे में। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, तेल मालिश के बाद स्नान जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वस्थ शरीर और चमकदार त्वचा के लिए जरूरी है कि सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर पर तेल मालिश की जानी चाहिए। तेल मालिश के बाद शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर का मैल बाहर हो जाता है, इसलिए तेल मालिश के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए। इससे शरीर का समस्त मैल और तेल साफ हो जाता है, त्वचा में चमक आती है। तेल मालिश के बाद बिना नहाए घर से बाहर जाना अशुभ होता है। नंबर दो, शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूरी है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक की अंतिम यात्रा में जाता है या शमशान जाता है तो वहां से आने के तुरंत बाद भी नहाना चाहिए। शमशान के वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। शमशान जाने पर ये कीटाणु हमारे बालों में और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। यदि इन्हें साफ ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए वहां से घर आकर तुरंत नहा लेना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ रहता है। नंबर तीन, स्त्री प्रसंग के बाद स्नान जरूरी है। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, प्रेम प्रसंग यानी काम क्रिया के बाद भी नहाना जरूरी होता है। इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। इसके बाद जब तक वो नहाएंगे नहीं तब तक किसी भी धार्मिक कार्य के योग्य नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम के बाद भी बिना नहाए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर चार, बाल कटवाने के बाद स्नान जरूरी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं हजामत यानी बाल कटवाने के बाद भी तुरंत नहा लेना चाहिए। बाल कटवाने पर पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो नहाने के बाद ही शरीर से साफ हो सकते हैं, इसलिए इस कार्य के बाद भी तुरंत ही नहा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।